महाराष्ट्र में सत्ता की रस्साकसी को लगी लगाम, राजनीतिक भूचाल का हुआ अंत। मुख्यमंत्री बने फडणवीस तो अजीत पवार ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। चाचा के नक्शे कदम पर चला भतीजा, जल्द ही आ जाएगा सरकार का नतीजा। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को विशेष बदलाव के रूप में आगा जा रहा है। जी हाँ, शरद पवार ने भी 1978 में पहले तोड़ी थी पार्टी, मात्र 12 विधायकों के साथ दांव चलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंत दादा पाटिल की सरकार को गिरा दिया था और खुद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक वही दांव आज उनके भतीजे अजीत पवार ने चला है। दरअसल 1977 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी से चुनाव हार चुकी थी और इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनकी जगह वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। बाद से ही कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और विधानसभा के चुनाव भी दोनों ने अलग अलग ही लड़ा था। हालांकि इन चुनाव के नतीजों के बाद जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। ऐसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के दोनों धड़ एक बार फिर से एक हुए और सरकार बनी। सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया। 1978 के आपसी विवाद में शरद पवार ने 12 विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी की सरकार बनाने में समर्थन दिया और मात्र 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। इसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन कहा गया, जो पूरे 2 साल तक चला। पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने महाराष्ट्र की इस सरकार को बर्खास्त कर दिया और अगले चुनाव में ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया और ए.आर. अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। आज फिर 2019 में पुरानी घटना घटित हो रही है, फिर दोहराया जा रहा है वही लम्हा। एक तरफ शिवसेना, राकपा और कांग्रेस सरकार बनाने की बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, वहीं उसी बीच बार हमें फिर से सियासी उलटफेर देखने को मिला है। तड़के ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री और राकपा के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। हालांकि 105 विधायकों के रूप में भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। 40 विधायकों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भरोसा यकीनन अजीत पवार ने भाजपा को दिया है। आज अजीत पवार का कद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से कतई कम नहीं और राकपा पार्टी के प्रमुख के तौर पर वो बने हुए हैं। हालांकि अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। 1982 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत सर्वप्रथम सहकारी चीनी मिल के सदस्य के तौर पे की थी। 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन बने और 16 साल तक इस पर पद बने रहे। दौरान वो बारामती से सांसद भी बने। बाद में शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी और राज्य की राजनीति में सक्रिय होते चले गए। 1993 में जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2010 में कांग्रेस और राकपा की साझी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने अजीत पवार। सितंबर 2012 में एक घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी ने एक श्वेत पत्र जारी कर अजीत पवार को क्लीन चिट दी और एनसीपी के दबाव के चलते ही उन्हें 7 दिसंबर 2012 को ही उप मुख्यमंत्री फिर से बना दिया गया। अब एक बार फिर अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में है। माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा विधायक इस समय अजीत पवार के साथ है। ऐसे में सरकार को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने के लिए और 19 विधायक लगेंगे ताकि 145 का जादुई आंकड़ा छू सके। हालांकि सत्ता के गलियारे में ये चर्चा पूरी जोरों शोर से चल रही है कि ईडी से बचने के लिए ही अजीत पवार ने कदम उठाया। 20 के आसपास विधायक उनके साथ हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन नहीं। 4-5 दिवस प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवारांबद्दल अफवा चालू होत्या। प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अमित शहांचा दबाव आहे, कारण ते इक्बाल मिर्चीच्या प्रकरणात अडकलेले आहेत, ईडी चौकशी चालू आहे। अजित पवारांवरही दबाव आहे, कारण एका बाजूला त्यांची ईडी चौकशी चालू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ते एसीबीच्या चौकशीत सिंचन घोटाळ्याबद्दल अडकलेले आहेत। त्यामुळे हे दोघं काहीतरी गडबड करत आहेत अशा
बातम्या कानावर येत होत्या, पण नेमकं काय होतं आहे हे समजत नव्हतं. काही पत्रकारांनी हे लिहिलंही होतं की काहीतरी गडबड एनसीपीत होऊ शकते, पण कोणी ते गंभीरपणे घेतलं नव्हतं. तर मी असं ऐकलं आहे की जेव्हा ह्यांच्या वाटाघाटी तीन पक्षांच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या चालल्या होत्या, तेव्हा त्याच्यामध्ये जेव्हा पदांची चर्चा झाली तेव्हा शरद पवार अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पद द्यायला मला वाटतं तयार नव्हते, आणि जयंत पाटील यांचंच नाव उपमुख्यमंत्री पदासाठी येत होतं, ते सुद्धा अजित पवारांना खटकलं असावं. महाराष्ट्र में जायज नाजायज जो भी कारण हो, राजनीतिक भूचाल तेजी में, और ऐसे में जहां एक तरफ शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार बनाने वाली थी, आज सुबह ही ये मैसेज मिल जाता है कि भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार. आप देखते रहिए 24x7.